नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करते हैं ऐलान के पांचवे प्रोजेक्ट ऐलान पैराडाइज की। ऐलान पैराडाइज सेक्टर 50 निर्वाण कंट्री गुड़गांव में लोकेटेड है और ये पूरा एक बहुत ही अच्छे पॉश एरिया में लोकेटेड है और आसपास पूरा एक रेजिडेंशियल हब है जो इसकी एक मजबूत यूएसपी है। इसका लैंड पैच 3.5 एकड़ है और आप इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल शॉप, सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट और थर्ड फोर्थ फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट या इसमें एंकल स्टोर में इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छी रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे हमें जैसे ही मॉल तैयार होता है तो डे वन से कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आसपास का एरिया ऐसा है कि वहां पे इजीली वॉक इन कस्टमर आएगा और इस वजह से उस लोकेशन की अहमियत काफी बढ़ जाती है। और अब मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकेशन है, प्रोजेक्ट का नाम है ऐलान पैराडाइज, जो कि बिल्कुल लोकेट करता है सेक्टर 50 में इन द हार्ट ऑफ गुड़गांव। मतलब आप अगर वैसे बोलोगे तो ये निर्वाणा कंट्री एक लोकेशन है जहां पे निर्वाणा की खुद की टाउनशिप है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में ये रेजिडेंशियल के बिल्कुल बीच का कमर्शियल प्रोजेक्ट है। लोकेशन को अगर हम समझते हैं तो क्या लोकेशन है, ये प्लॉट है मेरा 3.5 एकड़ का, सामने फ्रेस्को की सोसाइटी है, साउथ सिटी वन है। अब ये इसमें सारा देख रहे हो, डीपीएस इंटरनेशनल, एम्सरम ग्लोड, गोल्फ स्टेट हो गया, ये सो सारी चीजें आपको जो दिखाई दे रही हैं ये विद इन द रेडियस ऑफ 2 to 3 किलोमीटर के आसपास की चीजें हैं। कोर्ट यार्ड है वहां पे, साउथ सिटी मॉल है, देन उसके बाद आपका रोजवुड हो गया, वेम्बले हो गया, शिलोंग हिल्स हो गया, सिडार क्रस्ट है, पेशियो क्लब है, मानव रचना। ये लोकेशन ऐसी है कि जहां पे कहीं ना कहीं आज के बीच में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट को ला के लॉन्च करता हूं और उसको बना के खड़ा करता हूं तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑर्गेनिक फुटफॉल की कोई कमी नहीं है वहां पे। तो एक कमर्शियल की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि मतलब उसके आसपास में क्या कैचमेंट है, ऑर्गेनिक फुटफॉल कैसा है। अब जो हमने सर्वे भी किया है इस लोकेशन पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी उनकी डीप पॉकेट है, मतलब एज ए उनकी जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं लोकेशन ऐसी है, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि लोकेशन ऐसी है कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करें तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप देखोगे, जैसे गुडर्थ मॉल हो गया, बानी स्क्वायर है, एसएस का है, 7-8 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रनिंग स्टेज में हैं। और मतलब आप ये भी कह सकते हो कि लास्ट, जैसे हमारा खुद की टैगलाइन है कि वंस इन अ डिकेड, मतलब ये 10 साल बाद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एक ऐसी लोकेशन पे आया है जहां पे मतलब आज के टाइम में कोई कमर्शियल लॉन्च हुआ है, क्योंकि इस एरिया में कोई ऐसी लैंड है ही नहीं अवेलेबल जहां पे आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च और कर पाओ। ये मैं आपको साइट विजिट करा रहा हूँ, इसमें ये बेसिकली हमारे 2 प्लॉट्स के अंदर डिवाइडेड है। जो आपने ये देखा अभी पीछे जो गया है हमारा, इसे हम एज एंकर एरिया डेवलप कर रहे हैं, ये 1 एकड़ का है और ये 2.5 एकड़ में है। बिल्कुल ऑन रोड प्रोजेक्ट है, बगल में कमला इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे आपका सिडार क्रस्ट से सोसाइटी लगती है और इसके राइट हैंड में फ्रेस्को की अपोजिट में फ्रेस्को है, इस साइड में एफ ब्लॉक है। बेसिकली कुछ इस टाइप की लैंड नजर आएगी आपको। तो आप जब साइट पे विजिट करोगे तो कहीं ना कहीं आप यहां तक देखोगे इस एरिया तक, तो इसको हमने एज अ पोर्च एरिया डेवलप किया है। बेसिकली पोर्च एरिया क्या होता है, जहां पे एज अ मतलब हमने एक ग्रैंड एंट्रेंस की फीलिंग दी है इसको, जैसे 5-star या 7-star अगर हम होटल में जाते हैं तो आपको एक वार्म वेलकम मिलता है, ग्रैंड वेलकम मिलता है। उसके बाद से फिर ये मेरा, अगर मैं यहां से आपको साइट दिखाऊं तो फिर ये मेरा स्क्वायरिश प्लॉट बन जाता है, लाइक मेरा जो प्रोजेक्ट था एपिक सेक्टर 70 में। तो स्क्वायरिश प्लॉट का ये होता है कि उसके अंदर जो आपको लेआउट जो निकल के आता है वो काफी अच्छा निकल के आता है। आप साइट में एंटर करोगे जहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, इसके बाद से ही मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। जो कंस्ट्रक्शन रहेगी प्रोजेक्ट की वो कहीं ना कहीं हमने अंदर से दी है, इसीलिए कि प्रोजेक्ट में फ्रंटेज कम है, तो मतलब मैंने खुद अपनी लैंड को आगे एज अ
एज अ पोर्च एरिया में डेवलप किया कि प्रोजेक्ट को एक ग्रैंड एंट्रेंस मिल पाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि निर्वाणा कंट्री खुद ही ग्रीन, उनकी जो थीम है वो ग्रीनरी है, पूरा निर्वाणा जो बेस करता है वो ग्रीन थीम पे बेस करता है, तो कहीं ना कहीं हमने उनकी थीम को कंटिन्यू करते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट में भी ग्रीन थीम दे रखी है। ऊपर ही आपको स्टोन पैडलिंग में फसाड मिलेगा, ये वाटरफॉल दे रखा है हमने, एलईडी स्ट्रिप्स लगा रखी है नीचे, और इसको हमने एज ए पैराडाइज प्लाजा के नाम से इसको मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग रहेगी यहां से, हाइड्रोलिक कार पावर पार्किंग है और कहीं ना कहीं 600 के आसपास की पार्किंग रहेगी। ये प्रोजेक्ट का मेन फसाड आएगा आपको बिल्कुल। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट में आपने एंटर करना है तो यहां से होते हुए आप स्टेप्स लेके ऊपर अगर आप आते हैं तो आप आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं आपको वो भी बताता हूँ कि प्रोजेक्ट को हमने कैसे कैसे, जिसका जो लेआउट रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। जो प्रोजेक्ट का लेआउट है वो लोअर ग्राउंड से स्टार्ट रहेगा, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फर्स्ट ये हमारा रिटेल का पार्ट है, सेकेंड फ्लोर डेडिकेटली फूड कोर्ट है, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर में हमने इसमें मल्टीप्लेक्स का प्रोविजन रखा है। मल्टीप्लेक्स में मेरे पास 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, प्लस में रेस्टोरेंट्स एरिया विद टेरेस और विदाउट टेरेस, दो अलग अलग दो रेस्टोरेंट्स रहेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है वो इतना ही है, मतलब लोअर ग्राउंड से स्टार्ट है और फोर्थ फ्लोर तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, ना इसमें कोई ऑफिस पे है ना कोई इसमें सर्विस अपार्टमेंट्स है। में ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और प्रोजेक्ट के अंदर का व्यू देख रहे हो तो सामने ये आपको वाटरफॉल नजर आ रहा है, इसके पीछे कैप्सूल लिफ्ट्स लगी हुई है जो कि आपको ऊपर के थर्ड फ्लोर तक ले जाएगी। साइड में आप देख रहे हो तो वाटर जेट्स लगे हुए हैं, ये वाटर शेडिंग कर रहे हैं। बीच का जो आप एट्रियम जिसे बोलते हैं, जो प्लाजा है, इसमें मैंने जो ऐसा कैफे एरिया डेवलप किया है, ये भी कहीं ना कहीं मेरा 60 से 65 फीट के आसपास रहेगा। कहीं ना कहीं अलग अलग आप कंपेयर करोगे तो एम्बियंस मॉल या अगर सेलेक्ट सिटी वॉक से भी कंपेयर करते हो तो उससे भी ह्यूज दिया हुआ है। तो जो उसका लेआउट आप देख रहे हो तो मैंने वो बहुत ही बेहतरीन बनाया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में हमने पॉर्च बनाया, फिर मेरा लैंड जो हो जाती है वो स्क्वेरिश हो जाती है, तो मैंने बिल्कुल स्क्वायर में चारों कॉर्नर से ही मैंने यूनिट्स दी हैं, बीच में ऐसा गैलरी नहीं काटी है। बहुत डेवलपर्स ये करते हैं कि इसमें गैलरीज बना देते हैं तो उसमें क्या होता है कि लीजिंग के हिसाब से वो प्रोजेक्ट को लीज नहीं कर पाते अच्छे से। तो मैंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही विजिबल शॉप्स दी हैं, हर एक शॉप की विजिबिलिटी है अच्छी। अब एक फीचर और इसमें ऐड किया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिजाइन बाय यूएचए लंदन है, तो इसमें फीचर्स काफी डाले हुए हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे प्लांटर्स हैं, हैंगिंग क्रीपर्स हैं, कहीं ना कहीं वाटर जेट्स लगा रखे हैं, शेटिंग है, बीच में एक कैफेटेरिया दे रखा है, एज ए आप इसे कोवर्किंग स्पेस टाइम यूज कर सकते हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। आप अगर एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल अगर शॉप पे भी देखते हो तो कहीं ना कहीं जो पहले क्या होता था, अब प्रोजेक्ट की जो हर एक शॉप मतलब जो हाइट रहेगी प्रोजेक्ट की वो 15 फीट की है, मतलब इंडिविजुअली हर एक शॉप की हाइट 15 फीट की है, और उसमें भी मैंने पूरा का पूरा ग्लास स्ट्रक्चर में दिया हुआ है हर एक शॉप को। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो लुक आती है शॉप की वो काफी अच्छी निकल के आती है। पहले क्या होता था 11-12 फीट तक आपकी वॉल होती थी, मतलब ग्लास होता था, उसके बाद फिर वॉल होती थी, फिर हम लोग बाहर से प्रमोशन करते। आपको ये गैलेक्सी कोर्ट का व्यू है, एज ए स्काईलाइट व्यू नजर आ रहा है आपको, ऊपर इसमें ग्लास लगा हुआ है जो आपको एक स्काई व्यू दे रहा है, और सेम आप देख सकते हो कि काफी मतलब एज ए मतलब ओपननेस दी है प्रोजेक्ट के अंदर। जो इसका लेआउट है वो काफी यूनिकली डिजाइन किया हुआ है कि शॉप की विजिबिलिटी काफी अच्छी है, प्रॉपर एज अ सिटिंग एरिया दे रखा है। सामने ये जो देख रहे हो ये एलईडी स्क्रीन लगी हुई है 40x45 की, इसमें एलईडी स्क्रीन रहेगी। ये व्यू नजर जो आ रहा है आपको ये फूड कोर्ट का है। बेसिकली फूड कोर्ट आपको पता ही होगा कि क्या होता है, इसमें फूड कोर्ट में प्रॉपर सिटिंग एरिया नजर आता है आपको बीच में, और चारों तरफ से आपको एज अ कियोस्क नजर आ रहे हैं। ये मेरे छोटे छोटे कियोस्क हैं और ये मेरा पूरा फूड कोर्ट है सिटिंग एरिया के साथ। ये यूनिक फीचर है, ये मेरा फूड कोर्ट का ही व्यू है, पर इसे जो आप ये आप बाहर की तरफ एक्सटेंडेड देख रहे हो इसे एज अ कैंटिलीवर कहते हैं। कैंटिलीवर क्या होता है, बेसिकली ये आउट ऑफ वो होता है थोड़ा सा, आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं नीचे कोई इसका पिलर नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो ये एक आपको यूनिक व्यू दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एलईडीज हैं इसमें, कियोस्क बने हुए हैं, ड्राइव थ्रू शॉप्स हैं। दिखाता हूँ, ये कुछ ड्राइव थ्रू की शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको एज अ ड्राइव थ्रू शॉप्स नजर आ रही है, वॉकिंग है, प्लस में गाड़ियों की मूवमेंट भी रहती है। यहाँ पे मेरी एलईडी लगी हुई है, प्लस में ये प्लॉट 2 जहाँ पे हम एंकर एरिया डेवलप कर रहे हैं वहां की एंट्रेंस का ये व्यू है। और इससे पहले आप अगर पूरा देखोगे तो कहीं ना कहीं 150 फीट का मैंने एक प्लाजा छोड़ा हुआ है जिसे हमने ऐसे एमपी थिएटर एरिया प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे कल को कोई इवेंट हो रहा है, कोई गजल नाइट्स हो रही है, कोई किसी चीज की प्रमोशन हो रही है। ये ऐसे एंटर होते हुए पूरा प्लॉट 2 तक आपको कनेक्टिविटी मिलेगी इसमें। ये मेन रोड है हमारा, ये मेन रोड से ऐसे अंदर करने के बाद गाड़ी यहाँ से नीचे चली जाएगी, 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग। और ये मेरा प्राइस है, लोअर ग्राउंड फ्लोर 57750, ग्राउंड फ्लोर सेम 57750,
इसमें अभी हमने कुछ टाइम के लिए वो मतलब ये कह सकते हो कि इसी मंथ तक के लिए हमने इसमें कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट दे रखे थे जो कि मेरा 5,000 रुपए है। तो इफेक्टिव प्राइस जो आता है आपको लोअर ग्राउंड या ग्राउंड का वो आता है आपको 52750, फर्स्ट फ्लोर का है 37750, उसमें 3000 का इनॉग्रल है तो इफेक्टिव प्राइस आता है 34750, फूड कोर्ट में 2000 और ऊपर के हर फ्लोर पे 2000 रुपीज का अभी इनॉग्रल चल रहा था मेरा जो कि मैंने एज ए मंथ एंड ऑफ द ईयर स्कीम निकाली हुई थी। हम अब आप पहुंचे हैं निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50 गुड़गांव, एलान पैराडाइज निर्वाणा कंट्री के इसी पॉश एरिया में लोकेटेड है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। निर्वाणा ग्रीनरी बेस एक सेक्टर 50 की टाउनशिप है। हम खड़े हैं एलान पैराडाइज निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50 गुड़गांव। आप देख पा रहे हैं कि ये और आज यहाँ पे करीब 125 लोग काम कर रहे हैं, काफी जोर शोर से यहाँ काम चल रहा है और इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है, पूरा आसपास रेजिडेंशियल हब है, फुली कैचमेंट एरिया है, पॉश एरिया है और इसमें वो सभी खूबियां हैं जो एक हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल को चलाने के लिए चाहिए। ये सारी खूबियां इस एलान पैराडाइज की लोकेशन में मौजूद है। जब भी आप किसी चैनल पार्टनर, रियल्टर, ब्रोकर या बिल्डर से कोई डील लेते हैं तब आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि मानो आप सोना या उससे भी बहुत कीमती चीज खरीद रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने या रेंट पे चलाने की जरूरत पड़ती है या अपनी किसी और प्रॉपर्टी में सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो आपका फोन तक नहीं उठाते, यहां तक कि वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि आप उनको प्रॉपर्टी नहीं कोई कबाड़ बेचने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेशकों को चेतावनी देता हूं कि आप बिना रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें और आप कभी भी किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को जब हायर करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें क्या वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट आपको कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट या आफ्टर सेल सर्विस देगा। ये बात सुनिश्चित करने के बाद ही आप किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।